ने हमको रास्ता दिखाया, और जहां तक भटकने की बात थी आपने ये मुद्दा भटकने नहीं दिया। बार बार आप लोगों से हमको भी रास्ता दिखाया आप लोगों ने। और मैं इसके साथ ही, क्योंकि अभी समय कम है, महामंत्री जी से मैंने सुबह ही सुबह, क्योंकि रात को मुझे फोन आ गया था, सभी दिल्ली में हमारे जो बैठे हैं माननीय हमारे शिलाई के पूर्व विधायक हैं बलदेव जी, हमारे हाटी समिति के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, यहाँ के रण सिंह जी और नेगी जी, इन सभी का मुझे संदेश आया था कि बहुत पुरानी जो मांग है हमारी फलीभूत हो गई है, और माननीय जो हमारे शाह जी हैं, उन्होंने उनका जो प्रयत्न रहा है, उन्होंने जो साहसपूर्ण कार्य किया है, उन्होंने कहा है आपका काम हो गया है और ये जवसार बाबर की तर्ज पे हम करेंगे, और कुछ ही दिनों में, महीने में नहीं, कुछ ही दिनों में इसका एक ड्राफ्ट बन करके पार्लियामेंट में जाएगा, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद ये माननीय हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी कंसेंट के लिए ये बिल पेश होगा। तो बंधुओं, आज बहुत खुशी का दिन है, मैं आपको बताऊं, इतनी खुशी जिंदगी में कभी हुई नहीं होगी। और हमने जो हमारे ऊपर हमारे बच्चों का कर्ज था, बच्चे हमारे हमारी बात नहीं मानते थे, बच्चे ये बोलते थे ये होने वाला नहीं है, मतलब वो इसके पीछे, लेकिन मेरे सभी हाटी बंधुओं ने सहयोग किया, हम चलते रहे, राह बड़ी कठिन थी, लेकिन आज वो राह कठिन ना होते हुए हमारा जो इतना पुराना मुद्दा था वो हल हुआ है। मैं एक बार फिर सभी हाटी बंधुओं का, यहाँ आए हुए मेरे लोगों का, मेरे से बड़े भी दो तीन चार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक अदना सा व्यक्ति इस इतने बड़े समूह का पांवटा यूनिट की तरफ से अगुवा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का, लेकिन मैं अकेला इसका भागीदार नहीं हूँ, मेरे 3 लाख लोग इनपार क्षेत्र के इसके भागीदार हैं, इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, किसी का हिस्सा कम नहीं, किसी का हिस्सा ज्यादा नहीं। जब भी हमको हाटी भाइयों की जरूरत हुई तो वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हर उसमें हिस्सा लिया। बहुत बड़ी बात एक और है कि हमको आंदोलन नहीं करना पड़ा। आंदोलन, मैं ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से आंदोलन वो होता है कि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे उतरे और हम उसका उनका विरोध करें, ऐसा मेरे हाटी भाइयों ने नहीं किया। इसके लिए भी मैं अपने हाटी समुदाय को साधुवाद देता हूँ, और ज्यादा ना कहता हुआ, आज ये जल्दी में मीटिंग हमने रखी है, हम सभी लोग 5 बजे इकट्ठे होकर के आज भोज के शायद प्रधानगण सभी आएंगे, ज्यादातर मुझे ज्यादा लोगों का पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग आज पांवटा में आएंगे, क्योंकि इससे बड़ा दिन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, इससे बड़ा त्योहार गिरिपार के लिए आज तक नहीं आया है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम सभी लोग 5 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे, और जैसी इसके बाद जो प्रक्रिया बनती है, 8-10 गाड़ियां हमारी, उन हमारे अगवा लोगों को, ठगड़े लोगों को जो दिल्ली से आ रहे हैं, उनको हम रिसीव करेंगे हरियाणा के बॉर्डर पे, और वहां से कुछ लोग हम यहीं रहेंगे, शायद मैं यहीं रहूं, मैं लोगों के साथ ही रहूंगा, और तय ये हुआ है, अभी तय हुआ है कि नहीं, लेकिन वाई पॉइंट से हम सभी लोगों को, मतलब फूल मालाओं के साथ, ढोल दमाने के साथ, अपनी वेशभूषा के साथ, अपने रीति रिवाज के साथ, शालीन रूप से हम एक जलूस की शक्ल में वहां से रेस्ट हाउस आएंगे, और उनका हम सम्मान करेंगे। सम्मान मेरे 3 लाख भाइयों का रखा है इन दोनों सरकारों ने। मैं एक बार फिर सभी हाटी भाइयों का,
एक तो पहले उनको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि बहुत बड़ा काम हुआ है, ये काम आसान नहीं था। हमें भी कभी लगता था, लोग डरा देते थे कि ये काम होने वाला नहीं है, मत लोगो आप बदनाम हो जाएंगे, लेकिन वो आज बदनामी वाला दिन जो था वो हमारे सामने है, वो बदनामी का दिन जो है वो अच्छाई के रूप में हमारे सामने आया है। तो एक बार फिर सभी हाटी बंधुओं का, खासकर पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए कि हम अड़े रहे, खड़े रहे, डिगे नहीं, थके नहीं, चाहे तूफान था चाहे आंधी आई, हम चलते रहे और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने इस आंदोलन को चलाते रहे, इस जिसका कि आज हमें फल मिला है और ये सुनहरा मौका है आज कि हम सभी इकट्ठे होकर के इसका जश्न मनाएं। दिल्ली से जो हमारी टीम आ रही है उनका दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करें जितना भी हमारे से बन पड़ता है। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर हाटी एकता।